हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं R18-18 नंबर डॉक्टर एक्विक जाम के बारे में। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे ये दवा आपको कब यूज करना है, किन बीमारियों में लेना है, कब कब लेना है, कैसे लेना है, कब तक लेना है, दवा का क्या प्राइस है, कीमत है, दवा को आप कहाँ से खरीदें, मैन्युफैक्चरिंग, सभी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस दवा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मेडिसिन खरीद के अपना भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले दवा के नाम के बारे में बात करेंगे। दवा का नाम है R18 नंबर डॉक्टर रिक्विक जर्मन, डॉक्टर रिक्विक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन R18 ड्रॉप्स। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ब्लैडर और किडनी ड्रॉप्स। देखिए, अगर आपको किडनी में इन्फेक्शन है या फिर ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो उसमें ये दवा आप यूज कर सकते हैं। वैसे बहुत से वीडियोस हमने डाले हुए हैं UTI के ऊपर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर, सिस्टाइटिस हो गया, और जो है क्लियर स्टोन के ऊपर हमने वीडियो डाला हुआ है, और हर तरह की पथरियां जैसे गॉल ब्लैडर थैली में है या फिर किडनी में गुर्दे की पथरी है, सभी के लिए वीडियो डाला हुआ है। लेकिन ये आपको इन्फेक्शन के केसेस में लेना है, यानी आपको अगर किडनी स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है किडनी में, या फिर आपको नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर का सिस्टाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है, ये इंडिकेशन है कि आप ये मेडिसिन किन किन प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो नेफ्रोलिथियासिस हो गया, यानी किडनी में स्टोन हो गया, वहां का आपको इन्फेक्शन है, और साथ ही साथ में सिस्टाइटिस है, यानी ब्लैडर का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो भी आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इवन दो आपका जैसे मान लो मेट्राइटिस है, इसका भी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और साथ ही साथ में पेरिटोनाइटिस है, यानी आपकी पेरिटोनियम का भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। R18 डॉक्टर रिक्विक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है, लिक्विड फॉर्म में ये मेडिसिन है, 18 नंबर के नाम से आता है। तो सबसे पहले हम अब इन दवाओं में कौन कौन सी दवाइयां मिली हुई हैं, एक एक करके हम बात करने वाले हैं किस दवा का क्या फायदा है। बारबेरिस वल्गैरिस, देखिए बारबेरिस वल्गैरिस आपने सुना होगा किडनी स्टोन में, यानी कि किडनी की अगर गुर्दे की पथरी होती है तो बारबेरिस बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको किडनी स्टोन होता है तो किडनी वाली जगह पे, यानी गुर्दे वाली जगह पे आपको दर्द बना रहता है, प्रेशर से वो दर्द आपका बढ़ सकता है, तो ऐसे केसेस में भी पेन हो सकता है आपको, बैक एक पीठ में दर्द हो सकता है, सुन्नपन वहां पे आपको। कैंथारिस, देखिए कैंथारिस किसी भी तरीके का अगर UTI यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो कैंथारिस लगभग स्पेसिफिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बर्निंग, कटिंग, हर तरीके का दर्द होता है कैंथारिस में, और दर्द बना रहता है, और बूंद बूंद करके आपका पेशाब आता है, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका यूरिन आता है, खुल के यूरिन भी नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में, यानी UTI है या फिर सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर का इन्फेक्शन है, देखिए इक्विसिटम एक ऐसा दवा है जो कई प्रॉब्लम में, यूरिन की कई दिक्कतें होती हैं जिसमें काम करता है। अगर मान लो आपके यूरिन के साथ ब्लीडिंग भी होती है, ब्लड भी आता है, या फिर उसके साथ एल्बुमिन भी आता है, यानी कई बार बेड वेटिंग के केसेस, मान लो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड भरा हुआ है तो भी इक्विसिटम, यानी यूरिक एसिड भरा हुआ है, या फिर आपके यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है या फिर ब्लड आ रहा है, यानी कई केसेस में जो है इक्विसिटम आपका बहुत अच्छा काम करती है। डलकामारा, देखिए डलकामारा भी UTI में, सिस्टाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है, और कई बार इसमें पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर भी देखा जाता है, यानी पक्षाघात अगर देखा जाए जो है ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का, तो डलकामारा बहुत अच्छा काम करती है। और मॉइस्ट, यानी जो नमी वाला एक वेदर होता है उसमें डलकामारा बहुत अच्छा काम करती है। पिटोरियम परपुरम भी तब काम करती है जब ब्लैडर की बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है, सेंसिटिविटी होती है, उत्तेजना होती है, और साथ ही साथ में बहुत ही ज्यादा चिपचिपा आपका यूरिन आना, उसके साथ इनकी बार बार फ्रीक्वेंसी होना, अर्जिंग होना, तो ऐसे केसेस हैं जो इनमें मिली हुई है, जो हमने डिस्कस करी है। अगर आप चाहें तो अलग से एक मेडिसिन ले, वरना ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। अब इसकी डोज की हम बात कर लेते हैं, इसको दवा को आपको लेना कैसे, यानी कि खुराक क्या है। देखिए लिक्विड फॉर्म में है, ड्रॉप के फॉर्म में है, तो दवा को आपको थोड़े से गुनगुने पानी में 2-4 चम्मच गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर मिक्स करके 10-15 बूंदें, अगर किसी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स है, तो दिन में 5-6 बार भी आप ले सकते हैं, कम सिम्टम है तो 2-4 बार भी आप ले सकते हैं। हमेशा थोड़े से पानी में लें, 10-15 ड्रॉप्स लें, मिक्स कर लें, दिन खाने से पहले लें, और लगातार मेडिसिन यूज करें जब तक आपको फर्क नहीं पड़ जाता। जैसे आपको फर्क पड़ जाए दवा की क्वांटिटी मात्रा और कम करके, और फिर धीरे धीरे आप इस दवा को बंद कर सकते हैं। इसके 250-250 का ये है, और जो है मई 2020 की है, यानी 2020 की मई की है। अब प्राइस बताना और ये बताना भी जरूरी होता है कि दवाओं की एक्सपायरी भी होती है, 1 साल 2 साल 5 साल की होम्योपैथी में भी एक्सपायरी है, और दवा की कीमत भी टाइम के हिसाब से बदल सकती है। ऑनलाइन देखते हैं तो थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिल जाता है, तो इसमें है, तो दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक भी प्रोवाइड करा है। ये दवाइयां होम्योपैथिक मेडिसिन है, देखिए अगर आप देखेंगे तो सिर्फ होम्योपैथिक फार्मेसी और होम्योपैथिक स्टोर पे ही ये मेडिसिन आपको मिल पाती हैं।
तो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। और वीडियो के लास्ट में हमने छोटे छोटे वीडियोज की एंड स्क्रीन भी डाली हुई है, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।